इतिहास में दोस्तों जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था तब तो पूरी दुनिया ही दंग रह गई थी, और तब तो सभी ने ये सोच लिया था कि अब जापान ना गर्दिश में जा चुका, ये देश अब वापस कभी भी उठ नहीं पाएगा। लेकिन 10 साल के अंदर ही देश के लोगों ने इतनी मेहनत की कि जापान को वापस से खड़ा कर दिया, और आज के दिन तो दोस्तों जापान कितना ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश बन चुका है मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। कहने को तो वैसे आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रुतबा पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे का, और इसके जैसी पावरफुल और इसके जैसी मजबूत कंट्री आपको पूरी दुनिया में कोई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ना इसका दोस्तों मुकाबला ही नहीं बन पाता जापान के साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर जापान बहुत ही ज़्यादा बेटर कंट्री बन चुकी है अमेरिका के मुकाबले। तो आज इन्हीं पॉइंट्स के बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर एक पर दोस्तों नाम आता है एटिकेट्स का। एटिकेट्स के मामले में तो दोस्तों दो देशों का रुतबा ना हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर रहा है, और शायद हमेशा ही अव्वल दर्जे पर रहेगा भी। और दोस्तों ये दो देश हैं साउथ कोरिया और जापान। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों का दोस्तों बिहेवियर आपको बैड देखने को मिलेगा, यहाँ के लोग भी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन जापानीज लोगों का तो दोस्तों बिहेवियर टॉप नॉच, एटिकेट्स एकदम बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के। जैसे कि दोस्तों जापान में कभी भी आपको लोग सड़क पर बिखरे हुए देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर कहीं भीड़ भी हो जाती है तो लोग क्यू बना लेते हैं, यानी लाइन में लगना ही पसंद करते हैं। साथ ही दोस्तों कभी भी किसी के साथ फाइट करते हुए या फिर किसी के ऊपर चिल्लाते हुए स्ट्रीट पर जापानी लोग आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनके कल्चर के अनुसार इनके एटिकेट ही यही हैं कि इन्हें हमेशा सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हुए नज़र आना है। तो यहाँ पर तो दोस्तों जापान सही में बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होता है अमेरिका के मुकाबले। नंबर दो पर नाम आता है दोस्तों क्लीनिंग का। क्लीनिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा बेटर कंट्री है सही में जापान अमेरिका के मुकाबले। एक बार गौर से सोचिए दोस्तों, सामने हम किस कंट्री को रख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि पूरी दुनिया में अपनी सफाई के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन जापान ना सफाई के मामले में दोस्तों, हाइजीन के मामले में इसके जितना बड़ा रुतबा शायद दुनिया में किसी भी देश का नहीं है। इन्होंने तो दोस्तों हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी निकाल दी है जिसके चलते कभी भी इनको टॉयलेट सीट को टच नहीं करना पड़ता, और दोस्तों ये टॉयलेट सीट को बिल्कुल इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करना पसंद करते हैं। साथ ही दोस्तों इन्हें तो कार के डोर खोलना भी बिल्कुल पसंद नहीं है अपने हाथ से, क्योंकि ये हाइजीन को बेहद ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना पसंद करते हैं। इतनी ज़्यादा कमाल की हाइजीन और इतने ज़्यादा दोस्तों साफ रोड्स आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकते हैं, और इस मामले में भी अमेरिका शायद कभी भी जापान की बराबरी ना कर पाए। नंबर तीन पर नाम आता है दोस्तों सेफ्टी का। जापान को यूनाइटेड स्टेट्स ही क्या दोस्तों, पूरी दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सुपर सेफ माना जाता है, और वहीं सेफ्टी के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्तों क्या हालत है ये तो किसी से छिपी नहीं है। सेफ्टी के मामले में बहुत ही बुरा दोस्तों समय चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, स्पेशली गन वायलेंस के चलते भी। जापान में दोस्तों चाहे कोई लड़की रात को 2 बजे भी अकेली क्यों ना निकल जाए, लेकिन उसके ऊपर कभी भी कोई खतरा नज़र नहीं आता। सेफ्टी के मामले में तो दोस्तों हम अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा हाईली रेट कर सकते हैं जापान को। चाहे आप जापान के किसी टाउन एरिया में रहें या फिर सिटी में रहें, हर जगह आपके लिए सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बनी रहेगी। और मेरे हिसाब से तो जापान का कल्चर इंडिया के साथ सिमिलर है, तो सेफ्टी के बारे में हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। नंबर चार पर नाम आता है बेटर फूड का। फूड के मामले में अगर आपको टेस्ट पसंद है फिर तो डेफिनेटली आपको स्टेट सी जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है फिर तो दोस्तों जापानीज फूड के आगे कहीं दूर दूर तक भी टिक नहीं पाएगा अमेरिकन फूड। अमेरिकन फूड तो वैसे भी दोस्तों दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी माना जाता है, वहीं दोस्तों जापानीज फूड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड माना गया है रिपोर्ट्स के अनुसार। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जापानी खाने में आपको बहुत अच्छे मसाले तो डले हुए देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही यहाँ का खाना उबला हुआ होता है जो कि खाने में तो बेहद ही फुकला सा बिल्कुल टेस्टलेस लगता है, लेकिन हेल्थ के मामले में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। यही शायद कारण है जिसके चलते जापानीज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल को भी अब तो पार कर चुकी है।
नंबर 5 पर नाम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब ये बहुत ही गौर करने वाला दोस्तों पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई बैड कंट्री है, बल्कि अमेरिका की हमेशा एग्जांपल दी जाती है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ना जापान बहुत ही ज़्यादा बेटर है अमेरिका के मुकाबले। यूनाइटेड स्टेट्स में तो दोस्तों फिर भी आपको ब्रोकन एस्केलेटर और ब्रोकन एलिवेटर देखने को मिल सकते हैं। कई बार ट्रेन्स में भी दोस्तों सफाई की कमी हो सकती है या फिर सीट्स में कोई कमी, और कई जगह दोस्तों रोड्स भी आपको बिखरी हुई नज़र आ सकती है इंडिया की तरह। लेकिन जापान में ये सब दोस्तों बिल्कुल नहीं होता, ना ही तो जापान में कहीं आपको ट्रेन में दोस्तों कोई खामी नज़र आएगी, और ना ही दोस्तों सड़कों पर, ना ही दोस्तों किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आपको कोई खास परेशानी नज़र आएगी। जापानी लोगों को हमेशा से ही हर चीज़ बेस्ट करने के लिए कहा जाता है, शायद यही रीज़न है कि जापान में आपको हर चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट लेवल की मिलती है। लेकिन इस परफेक्ट चीज़ को बनाने के लिए जापानीज लोग काफ़ी बार स्ट्रेस में भी पहुँच जाते हैं। नंबर 6 पर नाम आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में वैसे अमेरिका भी बहुत ही ज़्यादा आगे लगातार बढ़ा है, और इसने तो पूरी दुनिया को बदला है। इंटरनेट की खोज दोस्तों अमेरिकन्स ने किया, और साथ ही दोस्तों कई बड़े बड़े टेक जायंट कंपनीज भी आपको इसी देश की देखने को मिलेंगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज के दिन भी टेक्नोलॉजी का अगर कोई असली बाप है तो वो जापान है। आज के दिन भी दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े रोबोट्स पर काम आपको होता हुआ जापान में ही नज़र आएगा, और जापान ही दोस्तों पूरी दुनिया का वो पहला देश बना था जहाँ पर होटल्स में रोबोट्स काम करते हुए नज़र आए थे। और आज तो जापान के कई होटल्स में दोस्तों आपको रोबोट्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में सही में दोस्तों जापान में जाकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हों। भले ही अगर आप एक इंडियन इंसान हो तो शायद आपको अमेरिका में जाकर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगे कि बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अमेरिका में कभी भी आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती जो कि आपको जापान में आएगी। और जापान में जाकर तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया की तरह फीलिंग आपको आने वाली है, क्योंकि इस तरह की ओवर दर्जे की दोस्तों टेक्नोलॉजीज का यूज़ करता है जापान। नंबर 7 पर आता है ट्रेन्स। ट्रेन्स के मामले में दोस्तों जापान को पूरी दुनिया में ही बहुत ही ज़्यादा आगे लेवल का देश माना जाता है, और जापान ही दोस्तों पूरी दुनिया का वो देश है जिसने पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज कर दिया रेलवे का। पूरी दुनिया की सबसे हाई लेवल की ट्रेन्स आपको जापान में ही दोस्तों देखने को मिलेंगी। बुलेट ट्रेन्स के चलते जापान के रेलवे का रुतबा अमेरिका के सामने बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का हो जाता है। और इंडिया में भी आने वाले समय में जो दोस्तों बुलेट ट्रेन आने वाली है उस पर आज के दिन काम जापान ही कर रहा है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि रेलवे के मामले में इस लाइन में अमेरिका भी बहुत ही कच्चा खिलाड़ी है जापान के मुकाबले में। नंबर 8 पर नाम आता है एनिमेशन का, जिन्हें दोस्तों इंडिया में हम एनिमे के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल के जैसे कार्टून सीरीज डोरेमोन, शिनचान, ये सभी दोस्तों जापान की हैं। इंडियन कार्टून सीरीज़ तो कहीं भी इनके सामने बिल्कुल टिकी नहीं पाती। अमेरिका के पास दोस्तों भले ही हॉलीवुड तो ज़रूर है मूवीज़ के लिए, लेकिन एनिमेशन के नाम पर अमेरिका के पास कभी भी कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं था कभी एनिमेशन के ऊपर। इस मामले में दोस्तों जापान से बेटर कंट्री पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। एनिमेशन के मामले में जापान सही में सबका बाप बना हुआ है पिछले कई सालों से। नंबर 9 पर नाम आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, यानी एक देश में रहने वाले लोग एवरेज तौर पर कितने साल तक जिंदा रहते हैं। यहाँ पर अमेरिका लगभग 6 से 7 साल पीछे है दोस्तों जापान से, दुनिया की एक वर्ल्ड की लीडर कंट्री, और वो इतना ज़्यादा पीछे रह जाए दोस्तों किसी इंडेक्स में, ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली और शॉक वाली बात है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्तों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 78.54 साल, यानी अमेरिका में रहने वाला एक इंसान तकरीबन 78 से 79 साल तक जिंदा रहता है, तो वहीं जापान देश का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84.21 साल। जापान में रहने वाला एक इंसान दोस्तों 84 से 85 साल तक जिंदा रहते हुए आपको नज़र आएगा। तो यकीनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे है दोस्तों जापान, जिसके कारण है फूड हैबिट्स और साथ ही दोस्तों बहुत ही कमाल के एटिकेट्स, क्योंकि खाने के मामले में दोस्तों जापानीज लोगों के एटिकेट्स अव्वल दर्जे के हैं। नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों वेंडिंग मशीन्स का। वैसे तो वेंडिंग मशीन दोस्तों दुनिया के हर देश में देखने को मिलती है, लेकिन जापान जैसी वेंडिंग मशीन ना दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। आज के दिन पूरे जापान में आपको तकरीबन 70 लाख से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलेंगी, जिनमें से आप अंडे, चॉकलेट्स
और तरह तरह की दोस्तों कई चीज़ें निकाल सकते हैं इनमें से। कुछ वेंडिंग मशीन से तो दोस्तों आप मीट, एग और भी कई प्रकार की चीज़ें निकाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वेंडिंग मशीन से आप लड़कियों के नंबर भी ले सकते हैं और वेदर का हाल भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका की वेंडिंग मशीन में दोस्तों आपको नॉर्मल चीज़ें ही मिलेंगी, जैसे कि वाटर, कॉफ़ी या फिर दोस्तों ऐसी ही कुछ पीने लायक चीज़ें। इस मामले में दोस्तों जापानीज़ टेक्नोलॉजी को सही में सलाम तो बनता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सही में कुछ मामलों में आज भी अमेरिका पूरी तरह से जापान के सामने फीका पड़ जाता है, जहाँ फिर इन पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू वर्ल्ड लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है? नीचे कमेंट में आप अपनी वैल्यूएबल एडवाइस तो ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल अभी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।